14 साल पहले जिस लेजेंड ने कह दिया था कि ये बनेगा फ्यूचर का रॉक स्टार सुपरस्टार, आज उसी खिलाड़ी ने दिया है उस लेजेंड को एक ट्रिब्यूट अपनी ही एक पारी से। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर रविंद्र जडेजा के बारे में, इस रॉक स्टार खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने ट्रिब्यूट दिया है शेन वॉन, दिग्गज लेग स्पिनर को। कैसे, क्या कुछ बात है, बिल्कुल बताने के लिए मैं सारांश क्रिकेट इन इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बात की जाए बीते दिन की, तो जहां पर एक दुखद खबर क्रिकेट जगत में दौड़ पड़ी और जितने भी फैंस थे वो इस खबर को सुनकर काफी शॉक्ड थे कि कैसे ये चीज हो गई, क्योंकि काफी फिट एंड फाइन थे और अच्छे दिखाई पड़ते थे शेन वॉन द लेजेंड लेग स्पिनर, जिन्होंने लेग स्पिन को एक बार फिर से जिंदा कर दिया था क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के जगत में, और जादूगर कहलाए वो लेग स्पिन के। वो हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर जब कल शाम हमारे बीच पहुंची, हमारे पास पहुंची, तो एक शॉक की लहर जो है पूरे क्रिकेट जगत के साथ पूरे फैंस में भी दौड़ पड़ी। इसी कड़ी का हिस्सा बने वहां पर रविंद्र जडेजा भी, जिन्हें सुपरस्टार जो है वो घोषित कर दिया था आज से 14 साल पहले ही इस दिग्गज खिलाड़ी ने, लेग स्पिनर ने। मैं बात कर रहा हूं शेन वॉन की। 2008 में जब ये रविंद्र जडेजा से मिले थे तो इन्होंने उसी टाइम घोषित कर दिया था कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में सुपरस्टार खिलाड़ी बनेगा, रॉकस्टार खिलाड़ी बनेगा, और शायद इसीलिए आज हमारे सामने रविंद्र जडेजा ऐसी छवि रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो सन था 2008 जब पहली बार आईपीएल की टीम का हिस्सा बने थे, अंडर 19 खेलकर ये खिलाड़ी जो है पहुंचा था आईपीएल की एक फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल में, जहां पर कप्तानी कर रहे थे उस वक्त शेन वॉन, और तभी नजरें पड़ गई थी रविंद्र जडेजा के ऊपर लेग स्पिनर शेन वॉन की, और वहीं पर घोषित कर दिया था कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है, और ऐसा हुआ भी बाय टाइम बाय ईयर्स ये हमें देखने को भी मिला है। और शायद इसी का नतीजा है कि आज यहां पर रविंद्र जडेजा को मौका मिला अपने उस मेंटोर को, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में एस्टैब्लिश कर दिया एक तरह से रविंद्र जडेजा को, गाइड किया उनको ट्रिब्यूट देने का, और वो ट्रिब्यूट आया है शतक के रूप में। यहां पर रविंद्र जडेजा ने यह शतकीय पारी खेली है, और जिस पारी से पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कल शाम ही जब शेन वॉन की खबर उन्हें मिली थी। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा था कि मैं ये सुनकर सदमे में हूं, वॉन हमेशा एक शानदार स्टेट्समैन थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके चाहने वालों के साथ मेरी सहानुभूति हमेशा रहेगी। ये बात जब वहां पर रविंद्र जडेजा ने कही, इस पर जवाब देते हुए हर्षा भोगले ने कहा कि जड्डू वो तुमसे बहुत प्यार किया करते थे, और उन्होंने याद किया कि जब शेन वॉन और हर्षा भोगले की बात होती थी तो अक्सर वो जडेजा के बारे में बात किया करते थे, साथ ही यूसुफ पठान के बारे में भी बात करते थे। तो जडेजा जो है हमेशा से फेवरेट रहे हैं शेन वॉन के, और वो फेवरेट थे उसकी एक वजह भी है, जिस तरह के खिलाड़ी जडेजा इस समय हमारे बीच में है, एक बहुत ही परफेक्ट ऑलराउंडर जिनके ऊपर डिपेंड होने के बारे में सोचती है टीम, तो वो जो सुपरस्टार रॉकस्टार की जो उपाधि है उसी वक्त शेन वॉन ने जो है वो दे दी थी सन 2008 में, जब जडेजा अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। तो एक रिश्ता नाता जो है यहां पर देखने को मिला शेन वॉन और रविंद्र जडेजा के बीच में। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जो सर की उपाधि है वो रविंद्र जडेजा को दी, जिसके बाद रविंद्र जडेजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ के परफॉर्मेंस देते रहे, और आज जो मुकाबला यहां पर चल रहा है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें शतक ठोक दिया है रविंद्र जडेजा ने। अब देखना होगा कि जब गेंदबाजी करने आएंगे तब क्या कुछ कमाल कर दिखाएंगे, क्योंकि वो थे स्पिन के जादूगर और यहां पर रविंद्र जडेजा भी एक स्पिनर गेंदबाज है, तो देखना होगा ऐसे में रविंद्र जडेजा स्पिन गेंदबाजी में क्या कुछ परफॉर्म करेंगे। और आपको क्या लगता है, अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि जडेजा कितने विकेट ले सकते हैं इस मुकाबले में, और इस शतक के साथ विकेट्स का भी ट्रिब्यूट जो है वो देते हुए दिखाई देंगे रविंद्र जडेजा शेन वॉन को। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन आपको दबाना है। मेरा नाम है सारांश, क्रिकेट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल से शुक्रिया।